कल हमने शुरू किया था एक मर्डर केस जिसमें विक्टिम एक 64 वर्षीय कचरा इकट्ठा करने वाली महिला थी। वो कूड़े कचरे के बीच में रहती थी और लोगों से मांग कर खाती थी। क्या था उसके कत्ल का राज? आज हम देखेंगे इस अनोखे केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, इस मिराज हैदर का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है सकडोली गांव जिला इस बात जाके हमें से धरना होगा। प्रकाश, मुझे इस केस को क्लोज करने के साथ साथ ये बात जानने की बहुत जल्दी है कि आखिरकार ये जहीरा अंसारी थी क्या? चेहरा और बॉडी का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से जल चुका है। सुनिए, लोग जो बोल रहे हैं वो क्या सच है? क्या बोल रहे? यही कि इसके पास बहुत सारा पैसा और जेवर है। मुझे क्या मतलब? अब अगर पुलिस बोल रही थी तो शायद होंगे। अपने साहिर भाई को पता है? शायद। अल्लाह हाफिज। वो कोई जादू टोने वाली औरत तो नहीं थी? कचरे में हाथ डालती तो कभी निकालती सोना और कभी रोकड़ा। तो पता नहीं यार, लोग तो मिर्च मसाला लगाकर बोलते ही है, पर मेरे हाथों का फोकट का पान खाए बगैर बुढ़िया का दिन शुरू नहीं होता था। अब मिराज हैदर पुलिस के हाथों लगे तो जाके पता चले सारा माजरा क्या था। मुंबई पुलिस मुंबई से बहुत दूर हिसवाद के लिए रवाना हो गई मिराज हैदर की तलाश में। वही मिराज जिसने आखिरी कुछ हफ्ते जाहिरा अंसारी के साथ बिताए थे। पर सवाल यह था कि क्या ये वही मिराज था जिसने जाहिरा का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था? इसकी बीवी ने हमें बताया कि ये 5 दिन पहले आया है मुंबई से। देखिए जनाब, यहाँ सैकड़ों लोग रोज आते हैं, ऐसे चेहरे से पहचानना तो बहुत मुश्किल बात है। 5 दिन से घर नहीं लौटा, यहाँ खिदमत करने के लिए रुका होगा। अगर ऐसा है तो हमारी लिस्ट में उसका नाम पता होगा। मैं देखता हूँ। जनाब, पिछले 1 महीने में मुंबई के किसी भी मिराज हैदर का नाम इसमें दर्ज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे नहीं आया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बगैर अपना नाम दर्ज कराए यहाँ खिदमत में लग जाते हैं। मतलब हो सकता है वो अभी यहीं कहीं हो। हमारी छोटी अम्मी से कभी उतनी बात नहीं हो पाई। आपके अब्बा इरफान अंसारी, उनके बारे में काफी सुना है मैंने। क्या सुना है, कहाँ से? अरे भाई, वो जो फ्लैट लिया था ना जहीरा बी ने हमारा, तब उनसे बहुत बातें हुई थी आपके अब्बा के बारे में। क्योंकि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि एक कचरा चुनने वाली औरत के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। मेरे अब्बा की काफी अच्छी हैसियत थी बशीर भाई, और उन्हें छोटी अम्मी से इश्क हो गया था। बहुत ही तबीयत से रखते थे उन्हें। जब अब्बा का इंतकाल हो गया तब से शायद छोटी अम्मी मायूस सी हो गई, शायद दिमागी तौर से भी थोड़ी कमजोर सी पड़ गई। पता नहीं क्या हो गया था उन्हें, किसी को नहीं पता कि कब कैसे और क्यों छोटी अम्मी ये कचरा चुनने में लग गई। लोगों से मांग कर खाना शुरू कर दिया। अल्लाह का दिया हुआ क्या नहीं था उनके पास।
उनको गहनों का बड़ा शौक था और अब्बा की हैसियत भी थी उन्हें पूरा करने की। मुझे ठीक से नहीं पता कि अब्बू ने उनके लिए क्या गहने बनाए, कितने पैसे छोड़े, पर इतना जरूर मालूम है जिंदगी भर आराम कर सकती थी, मजे से काट सकती थी जिंदगी। आपको पता नहीं शायद, इसी इलाके में मेरे अब्बा का एक छोटा सा होटल हुआ करता था जो बहुत ही अच्छा चलता था। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। वो इतना अच्छा चलता था कि उन्होंने काफी पैसे बनाए थे उससे, एक दो जगह घर लिए थे, छोटी अम्मी भी उनका हाथ बटाती थी, खुद खाना बनाती, चाय बनाती। हमारा यूपी में पुश्तैनी घर है, वो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। मैं इकलौती थी ना, शादी भी बड़ी धूमधाम से की, हमें कभी बुरे दिन नहीं देखने पड़े। फिर ये जायरा भी के साथ ऐसा भी क्या हो गया था? खुदा जाने भाई साहब, जब अब्बू बहुत ज्यादा बीमार पड़े तो उन्होंने वो होटल, वो फ्लैट और बाकी सारी चीजें बेच बाज कर छोटी अम्मी का बैंक अकाउंट बना दिया था। उन्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। और रहती थी उस छोटे से कमरे में, वो बदबूदार कमरा, वो कूड़े कचरे में सोना, वो गाली गलौज, क्यों मतलब ये सब? पता नहीं। अरे जनाब, वो अंदर बैठा है, अभी अभी दाखिल हुआ है। शुक्रिया। क्या बात है? बताएं क्या बात है? हम क्या बताएं? अब बताना तुझे, फिर सारे सवाल है हमारे पास। सब मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या किया लिया? सब सब मेरी बात सुनो सर। सब आप मेरी बात का यकीन क्या क्यों नहीं कर रहे? सब सब मैं इधर हर साल आता तिजारत के वास्ते। सब इस बार दो चार दिनों के लिए रुक गया सब, पर इसमें ऐसा भी क्या गलत किया? गलती तेरे से ही है भाई। तूने सोचा कि कचरे वाली तो है ना, कोई आगे है ना पीछे, जब दो चार दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस घर लौट आएगा। साहब कसम से मैंने जहीरा भी नहीं मारा साहब। मैंने जहीरा भी का नाम नहीं लिया और नहीं मैंने ये बोला कि वो मारी गई। तुझे कैसे पता चला? आखिरकार मिराज हैदर पुलिस की हिरासत में था, लेकिन क्या वाकई मिराज जहीरा अंसारी का कातिल था? क्या अब उसके इंटेरोगेशन से पुलिस को कुछ और चौंकाने वाले एंगल्स मिलने वाले थे? साहब, साहब आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? जहीरा भी मेरे लिए अम्मी जैसी थी साहब। उस खोले में इतनी बदबू थी, उस खोले में कोई ज्यादा देर नहीं टिक सकता, लेकिन तू टिका, बहुत मेहनत की तूने, सब पता लगाया हमने, तेरे अलावा उस खोले में किसी का आना जाना नहीं था। चल बोल, क्या क्या चुराया तूने? साहब मैंने कुछ नहीं चुराया। साहब हम दोनों का काम एक जैसा था, वो कचरा उठाती थी और मैं हड्डियां बीनता था साहब, हम दोनों का रोना धोना एक जैसा था, इसीलिए हमारी बीच इतनी बात होती थी साहब। इतने सालों से तुम लोग एक ही चाल में रह रहे हो, इससे पहले तो तुझे कभी प्यार नहीं आया अपनी नई नई अम्मी पर? हाँ साहब, साहब आपको गलतफहमी हो रही है साहब। साहब जरूर जरूर आपका कोई कान भर रहा है, मुझे पता है साहब, ये जरूर उस कादिर पान वाले ने किया होगा, सब उसी का किया कराया साहब। कहना क्या चाह रहा है? साहब जहीरा भी कादिर पान वाले को पसंद नहीं करती थी, उन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था पहले से साहब। एक तो तुम मेरा फोकट में पान खाओगी और मैं तुम्हारी गालियां खाऊं फोकट में सुबह सुबह। दे जल्दी से पान दे। वो तो चाल के सभी लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी, सबको गालियां देती रहती थी। कुछ नया बोल। साहब साहब यही सारा चौल उसको जरूरत पड़ने पर सलाम भी करता था। साहब चौल में सभी लोगों को ये पता था कि जहीरा बी के पास कुछ छुपा हुआ माल है, उसने हर किसी की मदद की ली थी साहब। अभी पता नहीं साहब सब चुप क्यों हैं। साहब इस कादिर ने भी जरूर उससे पैसे लिए होंगे और उसी ने मर्डर किया लाया साहब। साहब बिल मेरे नाम पे फाड़ा कहीं कुछ साहब, मैं मिला ना उसको बकरा। साहब साहब मैं कसम से बोल रहा हूँ साहब, उस मिराज ने फंसाया मुझे। लाश मिलने के पांच दिन बाद तक हम कितनी बार तेरी बस्ती में गए, कितनी बार तेरे से बातें हुई, लेकिन कभी तेरे मुंह से मिराज का नाम नहीं निकला। अचानक से तेरी जबान खुलती है और मिराज का नाम निकलता है। साहब मेरे को लगा कि आप लोगों को मालूम होगा ये मिराज जहीरा भी के आगे पीछे घूमता था, मुझे लगा ये भी मालूम होगा दरगाह क्या है। मैंने तो बस दो और दो जोड़ा साहब, और सबसे पहले आपको ईमान से सब कुछ बता दिया। हम भी दो और दो जोड़ते हैं,
जो साफ कहता है कि तूने गलत किया। तेरा इरादा पहले से था मिराज को फंसाने का, बस तू मौका देख रहा था कब और कैसे। जैसे ही मिराज दरगाह के लिए निकला, तुझे मौका मिला, तूने दो और दो जोड़े और गलत खबर आकर हमें दे दी। नहीं नहीं साहब, या तो तूने ये कांड खुद किया है, या फिर तूने किसी और के साथ मिलकर जहीरा बी का मर्डर किया। साहब आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो साहब, मेरा जहीरा बी के साथ 36 का आंकड़ा था, मेरा फोकट में पान खा जाती थी और ऊपर से गालियां भी पकती थी। इतनी सी बात के लिए तो तू उसका मर्डर नहीं करेगा। चल बोल, जेवर कहां छिपाया या फिर बेच दिया, कहां है पैसे? मैंने नहीं मारा उसे साहब। साहब मैं कसम से बोल रहा हूं साहब, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। अब तुम दोनों आमने सामने हो, जो भी सच है वो कल तो देखो। अभी तक हम लोगों ने तुम दोनों को तोड़ा नहीं है, एक बार ठुकाई शुरू कर दी तो सच होगा इस रूम में और तुम दोनों हो गए हॉस्पिटल में। बाप साहब, इसका हमेशा जहीरा बी के साथ पंगा चलता था साहब। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे शौहर को छोड़ दो, वो मासूम है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते साहब, छोड़ दो साहब। साहब आप मोहल्ले में जाके पता करो कि कादर कैसा इंसान है, मोहल्ले का हर इंसान आपको बताएगा कि कादर खुदा का बंदा है, और इसके शौहर मिराज के बारे में भी पता करो, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। देख नाज, मेरे शौहर पर इल्जाम मत लगा, अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि कादर भाई कैसे हैं। कैसे हैं? लोमड़ी जैसे चलाक है। अच्छा, मेरा पति लोमड़ी जैसा चलाक, और तेरा पति कौन सा जानवर है जो लोगों की जूठन में मुंह मारता फिरता है? किसी के हलक में हाथ तो नहीं डालते ना, किसी का गला तो नहीं काटते, किसी को जिंदा तो नहीं चलाता है ना? देख मर्दाना तू चुप हो जा। अरे तू चुप कर, बढ़िया सोनिया बाले कर जाओ। क्या ये दोनों शख्स पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? इन दोनों में से ज़ाहिरा अंसारी का कातिल कौन था? हमें आपके घर की तलाशी लेनी। साहब कुछ छुपाए नहीं तो मिलेगा क्या? और अगर कुछ छुपाना हो तो वो घर में क्यों छुपाते? कादिर ने चोरी का माल कहाँ छुपा कर रखा है? देखो साहब, कादिर ने कोई चोरी नहीं की, कोई माल नहीं छुपाया है, ना घर में और ना ही कहीं बाहर। ये क्या? मुझे नहीं पता साहब, काम पर कुछ उठा लिया होगा। हड्डियों की तो इस तरह से आवाज नहीं होती। प्रकाश खोलो देखे क्या है इसमें। आपके मासूम शोहर मिराज कौन से होटल के कूड़ेदान से उठाकर लाए हैं सर? खुदा कसम साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये चीजें यहाँ कैसे आई, मैंने कभी उनकी बोरियां खोलकर अंदर से नहीं देखी। ये गोनी कब से थी यहाँ पर? जब से वो दरगाह के लिए रवाना हुए तभी से। और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है? मुझे नहीं पता था साहब। फौजिया जी, ये नोट्स पक्का ज़ाहिरा बी के घर के ही है, क्योंकि ऐसे ही नोट्स हमें वहां पर मिले थे, और ये कुछ जेवर है जिन्हें आपको पहचानना है। हाँ साहब, ये छोटी अम्मी के ही जेवर हैं, मैंने बहुत साल पहले ही इन्हें देखा था, पर मुझे याद है ये उन्हीं के हैं। साहब वो मैं नहीं बता सकती साहब, क्योंकि छोटी अम्मी के पास ढेर सारे जेवर थे, पर इनमें से कुछ तो उन्हीं के हैं पक्का।
देख मिराज, आखिरी बार पूछ रहा हूं, जो भी सच है बता दे, नहीं तो ऐसा चूरा बनाऊंगा तेरी हड्डियों का कि कोई डीलर भी नहीं खरीदेगा। सर 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 सर, मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा सर। कब मारा तूने ज़हीरा भी? सर तारीख याद नहीं, पर वो दिन याद है मेरे, जब सब मेरा दिमाग घूम गया। उससे पहले सच में मेरी दोस्ती थी उससे, मेरे दिल में तब तक कोई शोर नहीं था सर। एक दिन मैंने उसके बुरे से पैसा और सोना गिरते देख लिए थे सर। मैंने सुना था कि ज़हीरा भी लोगों को मदद और खैरात के वास्ते पैसे बांटती है, पर मेरे को हमेशा साहब झूठ लगा वो। उस दिन पता चला साहब कि उसके पास तो बहुत पैसा है, तब तक मेरे को मालूम नहीं था कि वो इतनी मालदार होगी साहब। ज़हीरा भी, मैंने ऐसी अफवाह सुनी ली है कि तूने लोगों को पैसे दिए हैं मजबूत, ब्याह के वास्ते, घर लेने के वास्ते। ये अफवाह नहीं है। तेरे को क्या जादू टोना आता है? अरे कमबख्त, मेरा शोहर मेरे लिए छोड़ के गया था। तो तू तू ऐसे काहे को रहती फिर? तुझसे मतलब मैं भिखारन जैसे रहूं या शहजादे की तरह? अरे तू मेरे जिंदगी में दखल देने वाला होता कौन है साला हड्डी चोर? अपनी औकात में रहे, चल दफा हो जाए यहाँ से, निकल जा। साला बड़ा आया, मुझे उल्टा ऐसी क्यों रहती है? मेरी नजर उसके पैसों पर टिक गई थी, मुझे उसके पैसे चाहिए थे। फिर मैंने धीरे धीरे हाथ मारने की कोशिश की सब, वो कचरा आढ़ा टेढ़ा रखती थी, इधर उधर बोरियों में घुसेड़ देती, कभी कभी बोरियाँ मिल जाती और माल दिख जाता था, और इससे पहले कि मैं निकाल पाता वो मुड़ जाती साहब। मतलब माल इन्हीं कहीं बोरियों में छिपा हुआ था, पर पता नहीं चल पा रहा था सब कहाँ है। तो तुझे आराम से ढूंढना था, वक्त चाहिए था, वो नहीं चाहिए थी, है ना? हाँ सर, मैंने ठान लिया था कि आज चाहे जो कुछ भी हो मैं कुछ ना कुछ तो लेकर जरूरी जाऊंगा, और मैं बिंदास भूल गया। लोगों को चर्बी चढ़ गई है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। हर चीज की कीमत होते हैं, साले बेवकूफ। उस दिन मेरा दिमाग पूरी तरह आउट था, मुझे पैसों के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। होटलों से हड्डियां इकट्ठा कर करके कुछ नहीं मिलता था साहब, खाने पीने के वांदे थे घर में। मैंने सोचा देखती है तो देखा जाएगा, अपन कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा। कमीने, मेरे घर में चोरी करा, मेरे घर में जहाँ कचरे के साथ पड़ा पड़ा सोना सड़ रहा है, पैसा सड़ रहा है। देख, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे, मेरे बच्चों की दुआ लगेगी तेरे को। अरे हराम की चने, तेरे बच्चे तेरा खून पिए। मैं उन लोगों को पैसा देती हूँ जो ईमानदार है पर गरीब है, तेरे जैसे चोरों के लिए नहीं। ज़हीरा, अभी तक मैंने चोरी नहीं की, और देख मेरी जगह कोई और होता तो उसकी नियत घूमती ही घूमती। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो उसे मार मार के भगा देती। मैंने कई बार तुझे चोरी करते हुए देखा मगर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो सुधर जाएगा। जैसे जैसे वो बोलते जा रही थी मैंने वैसे वैसे सुनना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक अलग ही आवाज़ बोल रही थी कि साला दुनिया भर को पैसे बांटती थी और मैं यहाँ उसका दोस्त, उसके घर की बदबू झेलता, मेरे को एक पैसा नहीं दे रही। मैं बोला ते लेने गई नहीं, अपन तो छीनेगा। फटक करके गई, तकलीफ नहीं हुई ना उसको ना मेरे को। जो थोड़ा बहुत मिला मैंने ले लिया, लेकिन मेरे को मालूम था कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन पता नहीं था कि वो उस कचरे में कैसे और कहाँ छुपा के रखती थी।
ने जलती लाश पे गोश्त की चर्बी और थोड़ी हड्डियां डाल दी। तुझे लगा कि चंद हड्डियां और चर्बी तेरे इतने बड़े कांड को छुपा देंगे और तेरा जुर्म हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तूने सोचा चिड़चिड़ी औरत है, गायब हो जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मिराज तू एक बात भूल गया, उस औरत के साथ पूरी बस्ती की दुआ थी। बेटा अभी तो ये तेरी सजा की शुरुआत है। पुलिस वालों ने बताया कि छोटी अम्मी की सारी चीजें मेरे नाम ट्रांसफर होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही हो जाए मैं सब कुछ आपके हवाले कर दूंगी, गरीबों की मदद होगी। आपका बड़प्पन है फौजिया बहन। बड़प्पन तो छोटी अम्मी का था, फकीरों से भी बदतर जिंदगी जी और फरिश्तों की तरह लोगों की मदद की। काश उस मिराज का लालच इतना मजबूत ना होता कि वो जाहिरा भी की जिंदगी छीन लेता। काश छोटी अम्मी की जिंदगी ऐसी ना होती। मैंने बहुत गलत किया फरजाना, बहुत गलत की, खुदा का तो पता नहीं, पर तू मेरे को माफ करेगी ना? मिराज हैदर को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत फॉर कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के लिए और धारा 397 के तहत रॉबरी विद इन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। मिराज ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है। कुछ लोगों के लिए जायरा अंसारी मोहल्ले की एक सरदर्द थी जो मांग कर खाना खाती थी और बदले में गाली भी देती थी, और कुछ लोगों के लिए जायरा अंसारी एक दिलदार औरत थी जो मुश्किल वक्त में काम आती थी, फिर चाहे वो काम पर्सनल हो या सामाजिक। मिराज भी एक कचरे वाला था, वो भी बची खुची हड्डियों से अपनी जीविका कमा लेता था, लेकिन उसके अंदर के लालच ने उसके विवेक, उसके जमीर को खामोश कर दिया था। इस केस के साथ एक बार फिर से साबित हुआ कि जुर्म कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होता, क्राइम नेवर पेज। जहां एक तरफ मिराज ने लालच की वजह से एक बूढ़ी औरत को बेरहमी से मार डाला, वहीं दूसरी तरफ लालच ने ही एक और इंसान को अपने जहरीले लपेटे में ले लिया और एक और कत्ल का केस हमारे सामने आया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सोहाना का फर्स्ट आउटसाइड है, इसलिए चीयर्स। चले कहाँ? तुम्हारे साथ, और कहाँ मेरी जान। पर नूरी दीदी, मैं वसंत सेठ के यहाँ 4 बार अकेली जा चुकी हूँ। मुस्कान, तुम्हें यहाँ 1 साल हो गया है, लेकिन सुहाना तो अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ आई है। अगर इसका हाथ छूट गया और ये भटक गई तो? नूरी दीदी, मुझे रास्ता मालूम है। मुन्ना जाएगा, तुम दोनों अंदर सेठ लोगों के साथ बैठना, ये बाहर बैठकर अपने मोबाइल पर टुनटुन करेगा, फिर तुम दोनों को लेकर यहाँ आ जाएगा अपने घर। पर नूरी दीदी, मुन्ना जाएगा। मुन्ना टैक्सी लेकर आ। ए मुस्कान, ये सुन,
पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। पति बोलता है तेरे जैसे 36 मिल जाएंगे मुझे। बीवी बोलती है इस सब के बाद भी मेरे जैसी ही चाहिए तुझे, वो भी 36। जाओ रानियो, वसंत भाई को जन्नत की सैर कराओ। और तू भी कहीं सैर करा जाकर राजकुमार मुन्ना, जन्नत में ट्रैफिक लग सकता है, देरी हो सकती है। देर हो जाए, अंधेरा हो जाए, सुबह हो जाए या फिर रात हो जाए, मैं इधर से हिलने वाला नहीं। क्यों रे, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है? देख मेरी जान, अपने लाइन में भरोसा एक जानलेवा बीमारी है, जिसने भी किया ना समझ ले वो तो गया। चलो उतरो। किछु बोलू ना, चलते रहो, होटल के पीछे से दूसरा रास्ता है। दीदी हमारे भय लगता से मुन्ना को अगर पता चल गया तो? पता तो उसे चलना ही है, लेकिन अब तू सोच ले, तुझे जिंदगी भर नूरी दीदी के साथ मर के रहना है या बबलू के साथ खुल के जीना है अपने गांव में? बोला सीएसटी पे इंतजार करेगा। अब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। फ्लैश ट्रेड के चंगुल से निकलना अजगर के पेट से निकलने जैसा होता है, शायद उससे भी मुश्किल। जो ये दो लड़कियां सुहाना और मुस्कान कोशिश कर रही थी, उन्हें भरोसा था कि उनका साथी बबलू उन्हें इस नर्क से आजाद कर वापस अपने घर ले जाएगा। उसी दौरान मुंबई के एक दूसरे हिस्से में एक आदमी अपने टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश में था। वो उस औरत का भरोसा दोबारा जीतना चाहता था जिसके साथ उसने धोखा किया था, और भरोसा एक जानलेवा बीमारी है। ले। अब क्या है परवेज? कुछ नहीं, वो सिर्फ तुमसे पूछना था, कैसी हो? ये तुम ऑलरेडी दो बार पूछ चुके हो और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा अच्छी ही होती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बिना अच्छा नहीं हूँ नजमा, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मशीन हूँ जो वापस शुरू हो जाऊँगी? अगर तुमने किसी और से मोहब्बत की होती तो मैं फिर भी समझती, लेकिन अय्याशी और मेरे बीच तुमने अय्याशी को चुना। लेकिन प्यार तो हमेशा तुम्ही से किया है मैंने। तुम मेरे नफरत के भी लायक नहीं हो परवेज, और मुझे आजमाना बंद करो। तुम्हारा फोन उठाती हूँ ये मेरी शराफत है, कमजोरी नहीं, समझे? अरे मेरी नो प्लीज नो, लास्ट 10 मिनट बाकी है मामा, प्लीज। नहीं उतरो आलिया, आलिया मैंने कहा ना, चलो उतरो। नहीं उतरो, कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि अपना होमवर्क खत्म करो और फिर टीवी देखो, और ये चिप्स सिर्फ एक बार हफ्ते में। मम्मा बस थोड़ी देर तो देखने दो, और हम होमवर्क तो बाद में भी कर सकते हैं ना, और ये चिप्स ये तो हम पूरे एक महीने बाद खा रहे हैं, जस्ट चिल ना। अदीबा तुम बड़ी हो ना, तुम भी नहीं समझ रही हो, और ये चिल वाली लैंग्वेज में मुझसे बात मत करना। जाओ कपड़े चेंज करो और अपने बुक्स रेडी करो, मैं खाना लगा रही हूँ। जाओ।
अपने पकड़ के दीजिए ना। अब तो देख, मैंने पापा को सीधा दुबई फोन लगाऊंगी और बोलूंगी कि इसके लिए कुछ मत लाना। पापा तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना। काम करो, तुम सीधे नीचे जाकर खेलो, जाओ। क्यों? मैंने बोला ना जाओ। आप बोलोगी ना मम्मी को कि नेल पॉलिश पहले से गिरा हुआ था? हाँ हाँ बोल दूंगी, जाओ ना। वरना तोड़ दूंगा दरवाजा। खोल खोल अदीबा। क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? उसने मम्मा को मार डाला पापा, उसने मार डाला। अदीबा ये तुम क्या बोल रही हो, तुम कहां पर हो बेटा? मैं अपने रूम में हूं पापा, मैंने रूम को लॉक कर दिया है, पर वो पापा बाहर ही खड़ा है चाकू लेके, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। अदीबा अपने आप को संभालो, किसने मारा मम्मा को, कौन है वो? वो ना वो बबलू अंकल है पापा, उसने मम्मा को भी मार दिया और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था पापा। अदीबा अदीबा आलिया कहाँ पर है? पापा मैंने ना उसे पहले ही नीचे खेलने भेज दिया था पापा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। अदीबा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो तुम दरवाजा मत खोलना, हाँ बिल्कुल दरवाजा मत खोलना, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, ठीक है बेटा? तुम बिल्कुल मत डरो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। दरवाजा खोलो अदीबा। अदीबा 13 साल की अदीबा अपने कमरे में फंसी हुई थी और दरवाजे के ठीक बाहर कातिल खड़ा था, जिसने कुछ ही मिनटों पहले उसकी मां को मार डाला था। अदीबा ने हिम्मत करके अपने पिता को दुबई में फोन करके सब कुछ बता तो दिया था, पर अब सवाल यह था कि क्या पुलिस वक्त पर पहुंचकर इस मासूम बच्ची की जान बचा पाती। सर दुबई से किसी अब्दुल अजीम का फोन था, अंजे वार्ड नगर ओवल वून अपार्टमेंट में उसकी बीवी का मर्डर हुआ है, उसकी बच्ची वहीं फंसी हुई है और खूनी भी वहीं है। चलो
बोला था बच्ची फंसी है, एक और बेडरूम है सर। चल अदीबा, अदीबा तुम्हारे पापा अब्दुल अजीम ने हमें भेजा है। बेटा हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, तुम अंदर हो। आपटे इसके बाप को दुबई में फोन करो। बेटा डरो नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जाओ आंटी के पास जाओ। आओ बेटा। मैंने उसे नीचे खेलने भेजा था। अठौले बच्ची को ताबे में लेना जल्दी। और हाँ प्यार से मैं बस पहली फ्लाइट से आ जाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी अभी पुलिस अंकल आपसे जो भी पूछे ना आप सच सच उनको बता देना। आप जल्दी आना पापा। बबलू अंकल। कौन है ये बबलू अंकल? मम्मा जानते थे उन्हें, वो कई बार घर पे आते थे। अच्छा बबलू तू नाखेद में अंशुक भाई को जानता है ना? हाँ वही ना, वो पीली बिल्डिंग सोलवा माला। करेक्ट। ये दिया और संभाल के। मैडम पहली बार थोड़ी ना डिलीवरी कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं तो हमेशा कहूँगी ना संभाल के। हाँ अब जा। मुझे नहीं पता कौन है, मम्मा के लिए काम करते थे वो, बहुत बाहर आते थे। साहब बबलू यहाँ से तकरीबन 1:45 के आसपास निकला था। ये आदमी नजमा मैडम के साथ कई बार उनके घर पहले भी आया था, इसलिए हम उसका एंट्री नहीं किए। आया गया हमको कभी सखी नहीं हुआ। अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला था साहब, ऑटो में आया था, ऑटो यहाँ बाहर खड़ा किया था और वापस फिर उसी ऑटो में चला गया था। ऑटो का नंबर याद है? नहीं साहब। कितने बजे आया था? 1:00 हो गया होगा उसके बाद आया। ये बबलू है कौन? पता नहीं साहब, उसका नाम बबलू है ये भी हमको आपसे ही पता चला। लेकिन साहब वो नजमा मैडम के यहाँ काम करता था, अक्सर उनके यहाँ आता रहता था। बेटा तुम्हारे पापा दुबई काम से गए या वहीं काम करते हैं? वहीं काम करते हैं। वो पापा यहाँ आते भी हैं तो भी यहाँ नहीं रहते। कुछ 4 या 5 साल पहले अलग हुए थे दोनों। वो अब्दुल अजीम दुबई में किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। ये नजमा काम करती थी कहीं? पता नहीं, सुना था कुछ करती है घर से। एक आदमी उससे मिलने आता था, कोई बबलू जो उसके लिए काम भी करता था। सॉरी सर मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है। काफी प्राइवेट लेडी थी ये नजमा शेख, किसी से कोई लेना देना नहीं, हाय हेलो तक नहीं। जाना पहचाना आदमी आया, बेल रिंग की या खुद से दाखिल हो गया, अंदर आने के बाद हमला किया और घर को लूटा गया। चोरी और मर्डर का केस लगता है या कुछ और है? सर नेबर बता रही थी कि नजमा जी किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखती थी। लेकिन बेटी तो बोल रही थी कि वो बबलू को अच्छी तरह से जानती है, उसकी माँ के लिए काम करता था वो। मम्मा, नहीं मुझे छोड़ो, मम्मा के पास जा। मम्मा, नहीं नजमा शेख की अम्मी मुंबई में ही रहती है,
उनको इन्फॉर्म कर दिया है, वो बच्चों को ले जाएंगे। बबलू को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। कौन है, क्या है, क्यों किया ये मर्डर? सर बिल्डिंग में सीसीटीवी है, बबलू का फुटेज मिल जाएगा। दो बच्चों की मां नजमा शेख के हत्यारे बबलू की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी। अब इस इन्वेस्टिगेशन का मुख्य मुद्दा था कि क्या यह केस सिर्फ रॉबरी और मर्डर वाला केस था या इस हत्या का कोई और ही कारण था। ये लो, अपने सारी खबरियों को काम पर लगा दो। इसको सिर्फ पकड़ना नहीं है, जल्द से जल्द पकड़ना है। गले का विंड पाइप स्मैश हुआ है, छुरे से काटा गया। और ये चेहरे पर मार्क? हाथ पर भी है, स्ट्रगल हुई होगी। विक्टिम ने अटैकर को फाइट बैक किया है। अटैकर पहचान वाला था, शायद विक्टिम ने खुद ही दरवाजा खोला होगा। बबलू, क्या बात है, क्या हुआ? मुझे आपसे थोड़ा काम था। डॉक्टर, कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, और कोई अटेम्प्ट भी नजर नहीं आ रहा है। टोनी, कुछ टंकी खबर दे। टोनी साहब, ये बबलू रिक्शा चलाता था, असली नाम है कार्तिक यादव। कार्तिक यादव, और कुछ पता चला? ये बबलू नाइट शिफ्ट में ऑटो चलाता था और दिन में इसका बाप। लेकिन गए एक महीने से ये बबलू धंधा नहीं कर रहा है सर। एड्रेस? यही अपने जिंगलोई नगर में रहता है। बबलू का मालूम नहीं है साहब, एक महीने से उसने मुंह नहीं दिखाया। आप वहां भी चेक करो, उस तरफ। साहब बताएंगे भी बात क्या है? बबलू ने मर्डर किया है। बचपन से वो गलत संगत में था, हर बारी हम उसको सुधारते और वो भटकता रहता था, इसलिए तंग आकर मैंने उसको घर से ही बाहर निकाल दिया था। इस वक्त कहाँ है वो? पता नहीं साहब, लेकिन किसका खून किया है उसने? नजमा शेख का। नजमा शेख जो अंजेवाड़ वेस्ट में रहती है, आप जानते हैं उसे? नहीं साहब, हम तो कभी उसे मिले नहीं है, लेकिन ये नालायक उसके बारे में बात करता था, उसके साथ काम करता था। क्या काम करता था? पता नहीं साहब, वो कोई परवेज भाई के लिए काम करता था, उसका पूरा नाम है परवेज आलम। परवेज आलम और नजमा शेख की कोई भागीदारी थी और उसके लिए बबलू इधर उधर दौड़ता था। इस परवेज आलम का पता? स्टेशन के पास वेस्ट में खिलौने और गिफ्ट की दुकान है उनकी। सर परवेज भाई ने 2 साल पहले दुकान मुझे बेच दी थी। अब ये परवेज करता क्या है? सर मालूम नहीं मुझे। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी है तेरे पास सब दे। हेलो, परवेज आलम? हाँ बोल रहा हूँ, कौन? अंजेवाड़ पुलिस स्टेशन आ जाना अभी। जी पहुंच रहा हूँ। चौका नहीं, कोई सवाल नहीं, सीधा ओके बोल दिया। हमारा फोन एक्सपेक्ट कर रहा होगा सर, शायद इसको पता है कि नजमा शेख का मर्डर हो गया। शायद इसे और भी कई चीजें पता है आपने। हेलो सुहाना। बबलू कहाँ पहुँचे? 2 दिन में पहुँच रहा हूँ मैं। एजेंट लोग से बात हुआ जो बॉर्डर पार कराएगा और पर्चा का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ सब हो जाएगा, मैं थोड़ी देर में कोलकाता के लिए निकल रहा हूँ। ठीक आचे, मैं इंतजार कर रही हूँ।
आज का ये केस शुरू हुआ सुहाना से, जो मुंबई के फ्लैश ट्रेड माफिया से भाग रही थी और जिसमें उसकी मदद कर रहा था रिक्शा ड्राइवर बबलू। और दूसरी तरफ हमने देखा कि बबलू एक कत्ल करने के बाद कहीं भाग रहा था। बबलू ने नजमा के घर चोरी भी की थी। क्या थी इस चोरी की स्टोरी? और बबलू सुहाना की मदद भी कर रहा था, आखिर क्यों? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।